ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का धाम, ये चार स्थितियां प्राप्त होती हैं भक्ति पथिक को। सबसे पहले नाम प्राप्त होगा, नाम प्रदान करके ठाकुर जी हमारी स्थिति का पैमाना देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है। नाम जापक जब जप करता है तो बार बार यदि उसका मन इधर उधर भटकता है तो ठाकुर जी को भी अनुभव हो जाता है कि अभी स्थिरता नहीं आई है, स्थिरता के लिए ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम के बाद में हमारे जीवन में आती है लीला, लीला यानी कि कथा। आप वैष्णव जनों से, कथा प्रवक्ताओं से, भगवान की लीला सुनाने वालों से ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करते हैं, तो लीला कथा श्रवण करते ही क्या होता है, नाम जो, अब देखो सब कड़ियां जुड़ी हुई है। नाम में अगर स्थिरता ना आ रही हो, बहुत विचलित हो रहा हो मन, नाम में बार बार आपके नेत्र बंद करते ही, नाम जप करते ही कुछ वो भाव आते हैं चित्त में जो नहीं आने चाहिए, तो फिर कथा को जोड़ो, लीला को जोड़ो। नाम जप की एक विधि बताएं, कोई भी एक लीला सुनकर के या लीला पढ़कर के उस लीला का चिंतन करते हुए नाम जप करो। जैसे मानो आपने श्री ठाकुर जी की मान लीला को पढ़ा, अब मान लीला में श्री जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, ठाकुर जी कभी मोर बन करके आ रहे हैं, ठाकुर जी कभी कुछ व्यंजन बना करके पवा रहे हैं, ठाकुर जी कभी कभी नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी गा के दिखा रहे हैं, कभी वंशी बजा के रिझा रहे हैं श्री जी को, और श्री जी नहीं मान रही है। एक मान लीला सुना है, बहुत सुंदर लीला है, मान लीला, पद मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। एक बार श्री ठाकुर जी श्री जी के पास गए, और जैसे श्री जी के पास गए तो मान लीला कैसी होती पता आपको ठाकुर जी की, बैठे बैठे दोनों लीला करते करते अचानक से श्री जी कहती है मन ना लग रो, श्याम सुंदर मन ना लग रो। ठाकुर जी कहें तो कहा करें बताओ, बोलो कछु करो मन ना लग रो। तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा श्री जी मान लीला करें, बोले हाँ मान लीला करो, चलो तो ठीक है मैं मनाऊंगा, आप नाराज हो जाओ, कोई बात नहीं है नाराज होने की, कछु कियो नहीं है ठाकुर जी ने, जबरदस्ती आप रूठ जाओ। तब श्री जी रूठ जाती है, फिर ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। ऐसी मान लीला, मान लीला का कोई कारण नहीं है, केवल दोनों के सुख के लिए मान लीला होती है। तो एक बार ठाकुर जी कुंज में जैसे ही आए, तो कुंज में आते ही श्री जी ने ठाकुर जी को देखो, और देखते ही मान प्रारंभ कर दियो। श्री जी तो उदास है कि रूठ के मुंह फेर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा बात है, आप इतनी उदास काई को है रही हो, किशोरी जी नाराज हो गई है ठाकुर जी से। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ऐसी मान लीला तो आप कभी ना करो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, ऐसी मान तो आप कभी ना करो, कहां कारण है आपके मान को। तब श्री जी कह रही हैं, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पद, मोहूते रूप गुण सुंदर, मोहूते रूप गुण कहां पाई बिन मोलनी प्यारी झुकी, कहां पाई। श्री जी कह रही हैं मोसऊ ज्यादा सुंदर, मोसऊ ज्यादा प्यारी, मोतेऊ ज्यादा रूप में अद्भुत, ये गोपी तुमने कहां पाई है। ठाकुर जी बोले कौन सी गोपी, मेरे संग तो श्री जी कोई भी ना, मैं तो अकेला आया हूं, और आपसे ज्यादा सुंदर कौन है सके ब्रह्मांड में, कहां देख ली, कहां मिल गई। श्री जी तो रूठ के बैठ गए, मैं ना बता रही कहां मिली, अब ना बताऊंगी। ठाकुर जी कहने जी कोई बात है, अरे नहीं बताओ तो सही, काय बात है आप नाराज हो रही हो, कौन सी गोपी कहां देख ली आपने, कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन बड़े बड़े नेत्र में काजल लगा के और आई है, और ऐसी भोली सी भाली सी प्यारी सी ऐसी किलोल कर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी बोले मैं कहां जाऊं, है कहां जे गोपी, दिख कहां रही है आपको। श्री जी बोली मैं ना बता रही, रूठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके पांव पड़ूं, आप जो कहो वो करूं, मैं सदा आपको दास बनो रहूंगा, नहीं यूं तो बताओ मान कर काय बातें रही हो। इतने में ललिता विशाखा आ गई, और विशाखा ललिता सो श्री जी कान में कह रही है काय बात से नाराज। ललिता जी बोली अरे श्याम सुंदर तुम्हें शर्म ना आवे हैं, हमारी श्री जी पूरे दिन आपकी बात निहारते हो, तुम दूसरी गोपी इनके पीछे पीछे डोलो। अरे वही तो पूछ रहा हूं इनके पामन में परो परो कौन सी गोपी, मो नाम तो बताओ, वाको रूप तो बताओ। श्री जी ने फिर देखो ठाकुर जी को बोले इधर आओ बताऊं,
जैसे ठाकुर जी समीप आए तो ठाकुर जी ने गले में एक नील मणि पहन रखी। वह नील मणि को उठा करके श्री जी बोली, देख ललिता यहां में जो छप रही है गोपी जी है। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो वो छप नहीं रही है, नील मणि के प्रतिबिंब में श्री जी अपने आप को ही देख रही है और अपने आप को देख करके ही कह रही है। नील मणि के प्रतिबिंब में श्री जी स्वयं को ही देख रही है और कह रही है, मोते हु रूप गुण सुंदर कहां पाई बिन मोलिनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे करत मन में किलोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। ठाकुर जी के तो नेत्रन में प्रेमाश्रु भर गए, कंठ से लगा लियो श्री जी को, बोली आप कितनी भोरी हो। अरे श्यामा जू, ये मेरी मणि में कोई और गोपी ना है जे आप अपने ही प्रतिबिंब को देख के अपने ही रूप गुण को बखान कर रही हो। श्री जी बोली, है सच में जे मैं ही हूं। ललिता विशाखा बोली, हाँ श्री जी आप ही हो, इतनी देर से अपने ही रूप को गुणगान गा रही हो। श्री जी तो ऐसी बोली दौड़ करके गई, हंसने लगी, बोली मैं हूं कैसी भोरी हूं, मुंह पता ही ना चली मैं अपने ही रूप को वर्णन कर रही इतनी देर से। अब ये लीला आपने सुनी, अब इसी लीला का चिंतन करते 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 चिंतन में मानसी में दो भाव प्रधान होने चाहिए कि एक तो स्पष्ट लीला आपको पता हो, फिर उस लीला में सहचरियों में स्वयं को भी रखो। जैसे ललिता हैं, जैसे विशाखा हैं, जैसे अन्य सखियां हैं, उन सखियों के साथ आप भी वहां उपस्थित हो। और दूसरा ध्यान आपको रखना है कि अपने साथ साथ अपने गुरुदेव को भी उस लीला में रखो, क्योंकि गुरुदेव के बिना आप मानसी में लीला में जाओगे आपसे अपराध बन जाएगा। हरिदासी परंपरा का तो नियम है कि गुरुदेव भी सखी रूप में आए हैं लीला में, तो गुरुदेव भी विराज रहे। पर आपकी जो भी परंपरा है, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप रामानुज वैष्णव हो, आप हरिवंशी हो, आप हरिदासी हो, आप रामानंदी हो, आप जिस भी परंपरा से हो, अपने गुरुदेव को लीला में जरूर रखो। हमारे गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लीला हमको दिखा रहे हैं, तब स्वयं सहचरी या सखी या सखा भाव से लीला में प्रवेश करो और फिर नाम जप करो। आपके जप में कभी कोई दूषित भावना आ ही नहीं सकती, ये जप का नियम होता है। ये उस जप की विधा है जिस जप में आपको भगवत लीला का अनुभव करना है। आप याद करेंगे एक दिन हमको, कुछ दिन के बाद आपको वो लीला दिखने लग जाएगी जो लीला कहीं वर्णित नहीं है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथा में और लीलाएं बता बता करके जाते हैं। एक बालक ने कथा सुनते सुनते लीला का दर्शन किया। कैसी लीला का दर्शन किया? बोले महाराज जी ठाकुर जी रोज मिलते हैं श्री जी से, मैंने कहा, और रात्रि में मिलते हैं अधिकतर, मैंने कहा, तो श्री जी को तो बड़ी दिक्कत होती होगी, मैंने कहा क्यों? बोले ठाकुर जी कारे कारे और अंधेरे में मिलवे जामे, ठाकुर जी तो अंदर ध्यान ही रहते होंगे, श्री जी को ढूंढने पड़ते होंगे, श्याम सुंदर ने घस जाओ तो दांतन से पता चले कहां हो। अब बात तो अच्छी लगी और फिर बोली कि महाराज जी अमावस्या पे क्या होता होगा? मैंने कहा आपके मन में क्या भाव आया? तो फिर उसने अपना मानसी चिंतन बताया। बोले महाराज जी हमारे चिंतन में ऐसा आया कि ठाकुर जी अमावस्या को मिलने आए तो श्री जी बहुत व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी दिख ही नहीं रहे, श्याम सुंदर दिखे नहीं, दिख रहे हैं नेक नेक दिख रहे हैं, अब ये लाइट चली जाए तो उनकी आंख ही आंख दिखे बस, और तो कुछ दिखे हुए ही ना, ऐसे तारिया ठाकुर हैं। तो श्री जी ने क्या किया, श्री जी ने जैसे अमावस्या को ठाकुर जी मिलने आए तो श्री जी बेचैन है गए। अब श्री जी बेचैन भई तो श्री जी के मन में जब कोई आर्त प्रकट होता है, जब कोई बेचैनी आती है, तो समस्त प्रकृति श्री जी को प्रसन्न करने में लग जाती है। जैसे प्रकृति को पता चला कि भैया श्री जी उदास है रही हैं, तो सबने जाके पूर्णिमा चंद्रमा से कहा, बोले तुम प्रकट हो जाओ। बोले आज अमावस्या, आज कैसे प्रकट है जाऊं, मुंह को श्राप लगो भयो, एक दिन अंतर ध्यान होना है मुंह। अरे तू देखना रहो श्री जी इतनी व्याकुल है रही है, ये उसके मानसी का चिंतन है, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये बालक की सुनी हुई कथा सुनते सुनते उसके मन में चिंतन आया। तो फिर प्रकृति चंद्रमा से कहने लगे प्रकट हो जाओ प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आकर के बोले नूतन प्रलय हो जाएगा, प्रकृति कभी अपना इरादा नहीं बदल सकती। बोले अब क्या करें, श्री जी को तो हृदय में बेचैनी हो रही है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। तभी प्रकृति ने क्या किया, खूब सारे जुगनू, जुगनू जानते हैं, उनके पीछे लाइट टिमटिमाती रहती है, ऐसे जुगनू उड़ते हुए श्री जी के सामने आकर के बैठ गए और श्री जी ने जुगनून को देख करके श्री जी प्रसन्न है गई। अब एक एक जुगनू श्री जी उठा रही हैं और श्याम सुंदर के जा अंग को दर्शन करना चाहे वहां वह जुगनू को हार बना करके श्रृंगार बना करके धारण करा रही हैं। सिर पर मुकुट में धारण करायो, लड़ में धारण करायो, कानन में धारण करायो, ग्रीवा में धारण करायो, माला में धारण करायो, हस्त कमल के बाजूबंद में धारण करायो, कड़ूलान में धारण करायो, गर्दनी में धारण करायो,
चरणन में धारण करायो और सर्वांगन श्री अंग पर जुगनु धारण करा करके अब श्री जी ने सामने श्याम सुंदर को खड़ो कियो तो श्याम सुंदर दिखन लगे तो श्री जी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। अब श्याम सुंदर जगमगा रहे हैं और उनको देख करके श्री जी आनंद में नहीं समा रही हैं, तो श्याम सुंदर को प्रकाश अभी धीमो धीमो है पर श्री जी इतनी आनंद में आ गए कि श्री जी के तन की कांति श्याम सुंदर पर पड़न लगी और श्याम सुंदर और श्री जी दोनों की कांति बगल में बह रही यमुना जी में पड़न लगी। जैसे यमुना जी में पड़ी तो दोनों की कांति यमुना जी में पड़ती तो जल में प्रकाश पड़ते ही प्रकाश विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ही प्रकाश जमुना जी में पड़ो, जमुना जी से वो प्रकाश आकाश में गयो और डुबके भये अमावस्या के चंद्रमा पर वो प्रकाश जैसे ही पड़ो तो अमावस्या को शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट हो और प्रिया प्रियतम को राज बिहार। जब उस बालिका ने ये मानसी का भाव बताया ना, मन इतना चैन पाया, मन में इतना आनंद हो गया, ऐसे चिंतन हमको क्यों नहीं आ रहे। चैन तो ये हुआ कि चलो कथा सुन करके अब इनके चित्त में मानसी भाव तो आता है, पर बेचैनी हो रही है कि अब हमारे भी आवे कुछ ना कुछ भाव आमे, और आते हैं। कई बार कथाओं में ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो कहीं नहीं लिखे, कहां से आते हैं। लीलाओं का चिंतन करो, उस लीला में स्वयं को व्यवस्थित करो, पर गुरुदेव के साथ व्यवस्थित करो। गुरु आपके संग रहेंगे तो आपसे अपराध नहीं बनेगा, लीला का विस्तार होगा और नाम जप और तीव्र हो जाएगा और तीक्ष्ण हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कभी भी नाम जप करो, बिना लीला के नाम जप मत करो। करो, चलते फिरते उठते बैठते करो, ठीक है वो एक नाम की एक विधा हो गई, पर कभी नाम में सुख लेना हो तो लीला के साथ नाम जप करो। तो सबसे पहले ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा, नाम के बाद नाम लीला प्रदान करता है, और नाम और लीला दोनों का घर्षण जब होता है तब रूप का दर्शन होता है, ठाकुर जी का रूप दिखता है, और जब नाम और लीला के घर्षण से रूप प्रकट होता है तब तीनों के प्रस्तुत होने से धाम की प्राप्ति होती है। कई लोग कहें हमको दाम चाहिए, प्यारी मोहे दीजे वृंदावन वास, प्यारी मोहे दीजे वृंदावन वास। कैसे मिले गो, धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, धन के बल पे वृंदावन पहुंच गए, जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, जो वृंदावन वास नहीं है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, आपके परिश्रम से आपको वृंदावन मिले, आपके परिश्रम से आपको पुरी मिले, आपके परिश्रम से आपको धाम मिले, वास भी और कुछ दिन के भ्रमण के लिए भी जाना हो तो भी, आप यदि परिश्रम करते हो, आप तिथि निकालते हो, आप टिकट खरीदते हो, तो अभी समझियो कि धाम अच्छे से मिलो नहीं है, लेकिन आपने कोई अथक प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने आप योजना वातावरण माहौल सब ऐसा बनता चला गया कि आपको जाना ही पड़ेगा और कोई उपचार आपके पास नहीं है, तब ये समझो कि अब धाम मिला है, धाम ने बुलाया है। आप प्रयास कर रहे हैं तो समझो अभी धाम नहीं मिलो, लेकिन धाम प्रयास करे आपको बुलाने का तब समझो। और धाम कब प्रयास करेगा, जब नाम लीला और रूप ये तीनों आपके चित्त में विद्यमान हो जाए तब धाम की प्राप्ति।